सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे अपने पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 6, जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। इससे पहले भी आपने कबीरदास, तुलसीदास जी या रहीमदास के दोहों को पढ़ा होगा। आज हम जानेंगे कि दोहे क्या होते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के अंत में एक लघु और एक गुरु मात्रा का होना आवश्यक होता है। बच्चों, आपने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित रामायण धारावाहिक को भी देखा होगा, जरूर देखा होगा दूरदर्शन पे। इसमें तुलसीदास जी ने दोहे और चौपाइयों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श जीवन चरित्र का वर्णन किया है। आज के इस पाठ में बिहारी जी ने दोहों के माध्यम से नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। इस पाठ में 2 तरह के दोहे दिए गए हैं, नीत के दोहे और भक्ति के दोहे। तो आइए हम पहले जान लें कि नीत और भक्ति क्या है। नीत या नैतिकता समाज की वह अमूल्य वस्तु है जो सभ्य समाज का निर्माण करती है। मानव नैतिकता के मूल्यों पर चलकर अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, अपने सद्गुणों को प्रदर्शित करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उचित अनुचित और सही गलत का ज्ञान ही नैतिकता है। नैतिकता के साथ कुछ व्यवहार के भी नियम जुड़े हुए हैं, जैसे चोरी ना करना, बड़ों का सम्मान करना, परिवार का पालन पोषण करना, हत्या न करना, इस तरह के बहुत से नियम जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है और समाज से देश का निर्माण होता है। तो किसी देश का उत्थान या पतन वहाँ के लोगों के स्तर पर निर्भर करता है, और लोगों का स्तर उनकी और वहाँ की शिक्षा पद्धति पर। मनुष्य के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए शिक्षा में नैतिक शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने नैतिक मूल्यों को अपने पूरे जीवन में महत्व दिया है, किंतु आज लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ न सुनकर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। आज नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। हम नित्य प्रति समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ऐसी खबरों को सुनते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को दुखी कर देती हैं, जैसे कि हत्या की खबरें, अत्याचार भ्रष्टाचार की खबरें, इस प्रकार अनेक मन को दुखी करने वाली हम खबरें पढ़ते हैं। ऐसे में बिहारी जी के दोहों को पढ़ना और उसको समझना और अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक हो जाता है। आइए हम भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों, भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम है, सच्चा प्रेम, संपूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से बंध जाना ही भक्ति है। भक्ति शब्द भज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भजन करना या सेवा करना। प्रेम तो हम अपनी लौकिक चीज़ों से भी करते हैं, व्यक्तिगत रिश्तों से भी करते हैं, जो कि भक्ति नहीं है, वह तो एक आसक्ति है। जिस मनुष्य में शुद्ध विचार आ जाएं, जिसमें ऊंच नीच का भाव न हो, जो सभी को समभाव समझता हो,
सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं। जब हमें नर के रूप में ही नारायण दिखाई देने लगें, नर की सेवा हम नारायण के रूप में करने लगें, तो ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति कहलाती है, जैसे कि शबरी की भक्ति। शबरी ने पूरा जीवन प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए वन में व्यतीत किया, जैसे कि मीरा की भक्ति, जिन्होंने कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए अपने सभी सुख वैभव का त्याग कर दिया। तो आशा है बच्चों आपको नैतिक मूल्य और भक्ति या नीति या भक्ति का भाव स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इस पाठ में बिहारी जी के दोहों का सस्वर वाचन करेंगे, बिहारी जी का जीवन परिचय जानेंगे, दोहों का भावार्थ समझेंगे और पाठ में आए व्याकरण की चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहों का सस्वर वाचन करते हैं। बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पार, कहत धतूरे सो कनक गहनों गढ़ो न जाए, बिहारी गहनों गढ़ो न जाए। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबा, सोता को सागर जहां जाकी प्यास बुझाए, बिहारी जाकी प्यास बुझाए। ओछे बड़े न हुए सकें लगौ सतर हैं गैन, दीर्घ हो ही ना नैक हूँ फारी निहारे नैन, बिहारी फारी निहारे नैन। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, उही खाए बोराए जग इही पाए बोराए, बिहारी इही पाए बोराए। दिन दस आदरु पाई के कर लो आप बखान, जो लगी काग सराध पखू तो लगी तो सन्मान, बिहारी तो लगी तो सन्मान। बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुरा, टूठे टूठे फिरत हो झूठे वीर दिकहाय, बिहारी झूठे वीर दिकहाय। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जो, सुचित बसत अंतर तऊ प्रतिबिंबितु जग होय, बिहारी प्रतिबिंबितु जग होय। भजन कहो ताते भजो भजो न एक बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गवार, बिहारी सोते भजो गवार। आशा है आपको दोहों का सस्वर वाचन अच्छा लगा होगा और आप लोग भी इसे सस्वर वाचन करने का प्रयास करेंगे। अब हम दोहों के रचनाकार कविवर बिहारी लाल जी के जीवन के बारे में जानते हैं। कविवर बिहारी लाल जी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता
और इनके गुरु का नाम श्री नरहरिदास था। ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्राएं इन्हें भेंट करते थे। इन्होंने अपना एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई यहीं पर लिखा, जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और यह श्रृंगार प्रधान है। बिहारी लाल जी का निधन सन 1663 ईस्वी को हो गया। तो बच्चों, हम बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बाद उनके रचे गए दोहों का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला दोहा है, बड़े न हूजें गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। यहाँ पर विरद शब्द का देखिए अर्थ है यश, और कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं, धतूरा और सोना। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नाम की अपेक्षा गुण को महत्वपूर्ण बताया है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि किसी का नाम चाहे कुछ भी रख दीजिए, वह व्यक्ति गुण के अभाव में बड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार यहाँ धतूरे का नाम कनक अर्थात सोना है, लेकिन उससे गहने नहीं गढ़ाए जा सकते। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि हमें गुणवान होने का प्रयास करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति ही बड़ा या महान होता है। अगला दोहा है, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाए, सो ताकों सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। यहाँ पर ओथरो शब्द का अर्थ है उथला, और बाई शब्द का अर्थ है बापी या बावली। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई नदी, सरोवर, तालाब या बावली, चाहे अथाह जल से भरी हो या छिछली हो, वह किसी प्यासे की प्यास बुझा देती है, तो उसके लिए वही सागर के समान है। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति हमारी आवश्यकता में काम आता है, जो व्यक्ति हमारी जरूरतों में काम आता है, वही हमारे लिए बड़ा होता है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला दोहा है, ओछे बड़े न हो सके लगाओ सतर हैं कैन, दीर्घ हो ही ना नय कहूँ फारी निहारे नय। यहाँ पर सतरहें का अर्थ है ऐंठ कर, गैन का अर्थ है गगन या आकाश, लगाओ शब्द का अर्थ है छूने लगे, और नय कहूँ शब्द का अर्थ है थोड़ा सा। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि ओछा व्यक्ति, ओछा यानी तुच्छ व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति, चाहे ऐंठ कर आकाश को छूने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन वह बड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम अपनी आँखों को कितना भी फाड़ कर देखें, कितना भी फैला कर देखें, वह उतनी ही रहती है, बड़ी नहीं होती है। आइए अब हम अगले दोहे को देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बौराए जग इही पाए बौराए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने यमक अलंकार का प्रयोग करके बहुत ही चमत्कार पैदा किया है। यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं, दो बार कनक आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इस दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि सोने में मादकता, मादकता का अर्थ है नशा, सोने में नशा धतूरे से 100 गुना अधिक है, क्योंकि धतूरे को खाकर आदमी अपना विवेक खो देता है या नशे में हो जाता है, जबकि सोने को मात्र पा लेने से या देख लेने से ही व्यक्ति घमंड में विवेकहीन हो जाता है। सोना को देखकर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के भाव पैदा हो जाते हैं। जैसे यदि कोई चोर सोने को देखता है तो उसके अंदर चोरी का भाव पैदा हो जाता है, यदि कोई लुटेरा सोने को देखता है तो उसके अंदर लूटने का भाव पैदा हो जाता है, कोई ठग देखता है तो उसके अंदर ठगने का भाव पैदा हो जाता है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो सोने ने
कि आकर्षण ने जितनी बुद्धि खराब की उतनी किसी ने नहीं की। सोने के चलते परिवार में अपनापन खत्म हुआ, लड़ाई झगड़े हुए हैं, इसलिए कवि ने सोने को यहाँ पर धतूरे से 100 गुना अधिक मादक या 100 गुना अधिक नशीला बताया है। आइए हम अगला दोहा देख का भावार्थ समझते हैं। दिन दस आदर उपाय के कर लेऊं आप बखान, जौ लगी काग श्राद्ध पखु तौ लगी तौ सन्मान। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति अपनी झूठी प्रशंसा करके कुछ दिन का सम्मान पा सकता है या 10 दिन का सम्मान पा सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में कौवे को विशेष आदर दिया जाता है, श्राद्ध पक्ष यानी कि क्वार मास के आरंभिक 15 दिनों का जो समय होता है वो श्राद्ध पक्ष कहलाता है, जिसमें हम अपने पितरों का या पूर्वजों का तर्पण करते हैं। इसमें कौवे को विशेष सम्मान या आदर प्राप्त होता है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा करके या थोड़ा सम्मान प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, बंधु भये का दिन के को तारियों रघुराय, तूठे तूठे फिरत हूँ झूठे विरत कहा। ये भक्ति का दोहा है। कवि ने इसमें प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया है। कवि कहते हैं कि हे राम, आपने किसको तारा है? आप दिन बंधु कहलाते हो, आपके दिन बंधु कहलाने का क्या लाभ है? जब तक आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा नहीं करते, मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा उद्धार नहीं करते, तब तक आप सच्चे अर्थों में दीन बंधु नहीं कहलाएंगे। इसलिए हे प्रभु, आप मुझ गरीब मुझ असहाय पर भी कृपा करिए, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए, ताकि आपकी बड़ाई आपकी प्रतिष्ठा झूठी न हो। अगला भक्ति का दोहा है, मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोय, सुचित बसत अंतरतौ प्रतिबिंबित जग होय। इस दोहे में बिहारी कवि ने भगवान श्री कृष्ण के श्यामल रूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मन को मोहने वाली मूरत अत्यंत अद्भुत है, उसकी छवि अद्भुत है। जिस श्रेष्ठ जन के हृदय में, जिस निश्चल हृदय में यह वास करती है, उसमें संपूर्ण जगत दिखाई देता है, पूरा संसार प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पर श्याम शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और दूसरा अर्थ है काला रंग। काले दर्पण में हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की मोहन छवि हमारे हृदय में वास करती है तो उसमें संपूर्ण जगत दिखाई देता है। अगला भक्ति का दोहा है, भजन कहो ताते भजो भजो न एक बार, दूर भजन जाते कहो सौते भजो गवान। यहाँ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भजन कहो का अर्थ है भजन करने के लिए कहा, ताते भजो का अर्थ है उससे दूर भाग गए, भजो न भजन नहीं किया, दूर भजन जाते यानी जिन दुर्गुणों से दूर भागने के लिए कहा। प्रस्तुत भक्ति परक दोहे में कवि कहते हैं कि हे मेरे गंवार मन, जिस भजन को तुझे भजने के लिए मैंने बार बार कहा, उस भजन को तूने एक बार भी नहीं भजा। यहाँ भजन शब्द दो बार आया है, जिसमें एक भजन का अर्थ है सद्गुण और दूसरे भजन का अर्थ है दुर्गुण। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हे मेरे गंवार मन, जिन सद्गुणों को अपनाने के लिए मैंने तुझसे बार बार कहा, तूने उसको एक बार भी नहीं अपनाया। और दूर भजन जाते कहो सोते भजो कंवार, जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा, बचने के लिए कहा, उन दुर्गुणों को ही तूने बार बार अपनाया, उन भजनों को ही तूने बार बार भजा जिनसे मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा। तो बच्चों, यहाँ पर दोहों का भावार्थ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इस पाठ में आए व्याकरण पक्ष की बात करेंगे।
जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अलंकार की। अलंकार शब्द अलम धातु से बना हुआ है, जिसका अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या शोभा बढ़ाने वाला। आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई नारी आभूषण को धारण करती है या गहने पहनती है तो उसकी सुंदरता में निखार आ जाता है, वह और अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार जब भाषा में अलंकारों का उपयोग होता है तो उसमें भी एक चमत्कार पैदा हो जाता है, उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो उन शब्दों को जिनके द्वारा भाषा में चमत्कार पैदा हो, सौंदर्य बढ़ जाए, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार यानी जहाँ पर शब्दों के उपयोग से भाषा में सौंदर्य बढ़े, काव्य में सौंदर्य बढ़े, वहाँ पर शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर अर्थ के आने से भाषा का सौंदर्य बढ़े या काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। आइए हम इनके भेदों को भी जानते हैं। शब्दालंकार के भेद हैं, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भेदों को जानते हैं, पहला रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आज की कक्षा में हम शब्दालंकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनु का अर्थ होता है बार बार। जहाँ पर कोई वर्ण या कोई व्यंजन बार बार आए, उसकी आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखिए बच्चों, यहाँ पर च वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण समझते हैं। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। इसमें भी देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इस दोहे में भी अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। दूसरा शब्दालंकार है यमक अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो, यानी दो बार आए तो उसके दोनों जगहों पर अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि आपके पाठ में ही एक दोहा आया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाय बौराय जग इही पाए बौराय। यहाँ पर कनक शब्द देखिए दो बार आया है, जिसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार का उपयोग हुआ है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए घटा शब्द दो बार आ रहा है, जिसमें एक घटा का अर्थ बादलों से है और दूसरा घटा का अर्थ कम होने से या घटने से है। तीसरा अलंकार शब्दालंकार श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या जुड़ा हुआ। जब किसी एक शब्द से कई अर्थ लगे हों, उसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संदर्भों में अर्थ बदल जाए, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन उसका अर्थ मोती मनुष्य और चूने के बाद अलग अलग अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में उसका अर्थ चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा से है, चून या चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ पानी से है या जल से है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अलंकार को काफ़ी अच्छी तरह से समझा, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की, जिससे हमें पता चले कि आपने बिहारी के दोहों का भाव कितनी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि कवि ने नदी कूप को
किस स्थिति में सागर के समान कहा है। तो अभी हमने जाना कि कवि ने नदी कूप या बावली को तब सागर के समान कहा है जब वह हमारी प्यास को बुझा दे, हमारी प्यास को संतृप्त करे। कृष्ण की मोहन मूरत अद्भुत क्यों है? क्योंकि वह जिस श्रेष्ठ जन के हृदय में निवास करती है वह उसमें संपूर्ण जगत दिखाई देता है। नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, इस कथन के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? आपने देखा धतूरे का उदाहरण दिया है कि धतूरे का एक नाम स्वर्ण भी है, कनक भी है, लेकिन उससे गहने नहीं गढ़ाए जा सकते। आइए हम बात करते हैं अब पाठ में आए कुछ ब्रज भाषा के शब्दों की खड़ी बोली में रूप की। खड़ी बोली आज की मानक हिंदी भाषा का पूर्व रूप है। हिंदी भाषा में खड़ी बोली में संस्कृत शब्दों का समावेश करके आज की हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है, और इसी प्रकार खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्दों का समावेश करके उर्दू भाषा की सृष्टि हुई है। मेरठ के आसपास के प्रांतों में ये भाषा बोली जाती है, ये बोली बोली जाती है, इसमें ब्रज और अवधी की छाप नहीं है। आइए कुछ शब्दों के, ब्रज भाषा के शब्दों के खड़ी बोली में अर्थ जाने। सो का अर्थ देखिए वह, ताको यानी उसके लिए, तव यानी उससे, ताते का अर्थ है उतना, जाता यानी जितना, कहो यानी कहा। अब हम जानते हैं बच्चों कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झूठा आडंबर या झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। धन वैभव और संपत्ति प्राप्त होने के बाद अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, क्योंकि विवेकहीन व्यक्ति खुद स्वयं का ही अनिष्ट कर बैठता है। थोड़ी प्रशंसा या झूठी प्रशंसा से हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और हमने सीखा कि बड़े होने के लिए, महान होने के लिए नाम का नहीं गुणों का होना आवश्यक है। ईश्वर के प्रति हमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। और हमने जाना कि हमें हमेशा जीवन भर सद्गुणों पर चलना चाहिए और दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जिसे आपको करना है, और वो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कबीरदास, रहीमदास और तुलसीदास जी के दो दो दोहे का आप संकलन करेंगे, अर्थात इसको लिखेंगे। इस प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में उतार भी लीजिए। दूसरा प्रश्न है नैतिक मूल्यों पर। आज हमने नैतिक मूल्यों के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, तो उस तरह के नैतिक मूल्यों पर आधारित कोई छोटी कहानी या तो आप किसी से पूछकर या अपनी पिछली पाठ्यपुस्तकों से पढ़कर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि कविवर बिहारी लाल जी का, जिनके बारे में आज हमने जाना, जिनके दोहों की आज हमने विस्तार से चर्चा की, उसके भावार्थ को समझा, उन बिहारी लाल जी का चित्र बनाकर उनके जीवन परिचय को भी आप लिखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।